नेहरू निशा एंड न्यूज से। जैसे कि आपको पता है स्कूल की ओपनिंग है, तो मेरे माशाल्लाह से सर भी यहाँ पे मुझे टक्कर गए हैं, तो मैं इनका भी इंटरव्यू इस हवाले से लेना चाहती हूँ। सर मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, तो इनके क्या ख्याल आते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे व्यू ये है कि ये कैडेट साज इदारा है, इसमें ये है कि बच्चों को ज़्यादा ये आर्मी की तरफ लेके जाने वाला इदारा है। इसमें बहुत अच्छी काविश है, सारा नाम साने बड़ी काविश करके इसने ली है। और मैं कहता हूँ कि अगर आपने बच्चों को किसी कैडेट इदारे में अच्छे में भेजना है तो बेस इधर से बनेगी। आप अपने बच्चों को इधर भेजें तो इंशाल्लाह आपके बच्चे किसी आला मुकाम पे इंशाल्लाह जाएं। सर आप एक शेर कहते थे जब आप स्कूल पढ़ाते थे बच्चों को, तो आज वो ज़रा यादें ताज़ा हो जाएं कि काश मेरे सर पर दुपट्टा होता तो इस वजह से मैंने आज ले भी लिया था। सर वो शेर था कि काश मेरे सर पे दुपट्टा होता, तेरी रहमत उसका साया मेरे सर पे। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं माना तो अल्लाह सर हैं, ये इन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है, स्कूल की ओपनिंग का प्रोग्राम है। और देखते हैं जी आज कौन आ रहा है। सागर छोटा साहब सुना गया DPO, एस DPO जो हैं वो आ रहे हैं। तो फांसी में तुम्हें चलाओ ना। एंट्री जी, स्कूल ओपनिंग है तो माशाल्लाह से ये बेटा सामने सामने देखो, सामने देखो बेटा, इधर आ गया, आ गया, आ गया, सब साथ आके मेरा बेटा। ठीक है नहीं हो रहे आप सर? मैडम आप भी डिस्टर्ब हो रही है। बच्चे बच्चियाँ तलीम हासिल करें, या मेरे अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए, या मेरे अल्लाह अदनान साहब, या मेरे अल्लाह तरक्की अता फरमाए, इसमें जितने भी आए हुए हैं सबको या मेरे अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे, या मेरे अल्लाह फर्द को मालिक फैसले फरमा दे। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा अदनान साहब बहुत मुबारक है। अच्छा
والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر सुबह इंतजार करना पड़ा कुछ मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के अंदर मुल्क में ऐसे सबको पता है जो हालात चल रहे हैं और ये हमारे मुल्क के लिए लम्हा फिक्री है कि हमारे अंदर एक तो बर्दाश्त खत्म हो चुकी हुई है दूसरा हम लोगों को अपना ही एहसास नहीं है एक तालीमी अदारा है तालीमी अदारा अगर ये सोच रखें कि कोई अफसर आके चलाएगा तो गलत सोच है हमारे लिए एक आम सा इंसान चाहे वो एक रेडी लगाने वाला भी करो वो भी एक रिस्पेक्ट के काबिल है अगर वो डिसिप्लिन को मानता है डिसिप्लिन के साथ चलता है तो मेरे ख्याल वो भी हमारी मानस के काबिल है अगर डी पी साहब की अभी कॉल आई कहते हैं कि मेरे दफ्तर के पास लॉक लगा हुआ आप आके चेक कर मैं बाहर नहीं जा सकता कचहरी सारी बाउंड तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो नाच सुनाए इसमें आपको भी शायद बहुत सुकून मिलेगा मुझे तो मिलता ही है तो सुनने के बाद अपने पता करते हैं क्या मामला तो सर के कहने पर लेकिन ठीक तो लाए लेकिन तबीयत ठीक नहीं है लेकिन जिस तरह के भी सरकार की बारगाह में हाजिर होगी इन शाह पेश करेंगे हमें से दुआ पड़े وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه किसी भी जगह किसी की कोई तकलीफ हो किसी की जरूरत हो किसी जगह इनका साथ खड़ा जरूरी समझते हो तो ये देर नहीं करते इसके बाद मैंने इनसे जो बात की वो दोनों से की वो दूसरी बात मैं एंड में बताता हूँ जफर साहब मेरे साथ किस तरह रहे हैं और खुदा शाहिद है ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है मैंने भी इनके साथ पीछे नहीं हटा मैं बेसिकली बेशक सिविलियन हूँ मगर आर्मी सोर्सेज मेरे क्या हैं इनका मैं बहुत शुक्रगुजार मैंने लास्ट टाइम इनसे थोड़ा शुगर लगाया मुझे मैं सुबह नाश्ता नहीं करके आया मैं तुझे आपका नाश्ता अगर बोल चले तो मैं तो खा मारना है कहते कोई बात नहीं वापस आए हैं तो नाश्ता ले हैं सर दिल इंसान का खुला होना चाहिए पैसों की खाने पीने की चीज कोई मतलब नहीं रखती अब लास्ट में मैं टेंशन में था किसी वजह से इंसान है इंसान को परेशानी आ सकती कोई बड़ी बात नहीं जैसा कि अरदान साहब ने बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी खूबसूरत दोस्तों के हवाले से और अपने बड़े करीबी साथियों के हवाले से मुझे इस बात की खुशी है कि कोई बंदा अगर किसी के साथ कोई तामन करता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर देंगे यही बड़ी बात है आज के दौर में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरदान साहब ने अपने दिल की बातें सारी सामने डिक्लेयर कर दी बाकी रहेगी बात की स्कूल
स्कूल बच्चों की बुनियाद है और यहाँ से हमने कुछ बनाना है बच्चों को। जैसे कि एक टीचर होता है वो बताते हैं, वो सिर्फ टीचर रह जाता है, बच्चे उससे बहुत आगे निकल जाते हैं, वो जनरल बन जाता है, वो डॉक्टर बन जाता है, वो वकील बन जाता है, लेकिन जो टीचर है वो टीचर ही रहेगा। लेकिन टीचर बुनियादें कहाँ से बनाता है, जड़े कहाँ से बनाता है और उसका फल कहाँ जाकर लगता है और वो बच्चे क्या बन जाते हैं और वो क्या सरमाया बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जड़ों में पानी देने वाली है जो कि स्कूल से मिलती है, और स्कूल से जो चीज मिलती है वो बुनियादी होती है, और बुनियादी चीज भी किसी चीज का तना बनती है और तना बनने के बाद उसमें फल लगता है, और वो फल जो है ना वो फिर बहुत देर के बाद नसीब होता है। कैसे नसीब होता है, किस पर नसीब होता है, लेकिन मुझे आज ये बड़ी खुशी हुई है कि अदनान यूसुफ साहब ने बड़ी प्यारी तकरीर की है। और दूसरी बात ये कि मैं एक और हवाला देता करूँ कि हमारे मैडम सर साहिबा, प्रभाव साहिबा, ये हमारी कैंजूल है, उनके डायरेक्टर भी और पाकिस्तान लेवल की लेडीज है और पाकिस्तान लेवल पर इनका बड़ा एक मुकाम है और ये हमारे साथ चलती है। बाकी ये आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक स्कूल जो है ना, स्कूल वो बनाने में अहम किरदार तीन चार बंदों का नाम दिया यूसुफ साहब ने। स्कूल एक बड़ी अहम चीज है और स्कूल से ही सारा इंतजाम चलता है। तो बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक तो अदनान साहब ने तारीफ कराया अपने दोस्तों का जो कि कारी साहिबान है, और ये एक इंसान का अपना किरदार नजर आता है कि मेरे साथी क्या है। तो बड़े वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अब्दुल बशीर बाद अज़मिया है, वो अब्दुल बशीर बाद अज़मिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशी, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशी, उसी की नमाजों दुआओं पे आशी, नबियों से कमतर इमामों से आला, नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हर दम वफा करने वाला, वो सदीक अकबर जिसका लकब है, वो सदीक अकबर जिसका लकब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अर्द है, वो पहला खलीफा, वो पहला। इंसान की डेड बॉडी जब तक उस घर के अंदर मौजूद होती है उस टाइम दुख हो रहा होता है, रो रहे होते हैं, जब वहां से निकल जाती है सगे बाप को लोग भूल जाते हैं, सगी बहन को भूल जाते हैं, सगी माँ को भूल जाते हैं, बीवी शोहर को भूल जाती है, क्यों भूल जाती है, खत्म दुनियादारी है। बच्चों के लिए अपने आप दुनियादार ना बने, ना देखे कि मेरे दोस्त का बंदा है, मैंने अपना बच्चा उधर भेजना है। मैं नहीं कहता स्कूल सारे अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मकबूल साहब, इनका अपना स्कूल है, ये गवाह है चीज की, कहते यार मेरा स्कूल डर में आकर चला देखी जाएगी, ऐसा ही है। जिन्होंने बड़े बड़े मामला फेस किए हैं आगे फेस मैंने करता रहूंगा, टेंशन ही नहीं आपके साथ, मैंने एक दफा कॉल करता हूँ कि 10 दफा आते हैं और ये मुझे कॉल करें, मैं इनसे आगे आगे जा रहा हूँ, मेरे आर्मी में क्या प्रोटोकॉल है ये बोल चुके हैं, चीज से ये देख चुके हैं, अल्लाह की जात ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, उसके हाथ में इज्जत है, उसी के हाथ में जिल्लत है, जो वो करता है वो बेहतर करता है। मैं गलत था, मैंने बहुत अरसा गलत किया, अपने अंदर शर्मिंदगी भी है, इंसान कुछ चीज देख के पसंद करता है। आपके अगर आपकी वजह से है या असगर साहब की वजह से है, अल्लाह शाहिद है, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, उनको खुशियां दे, उन्होंने कभी मुझे पीछे नहीं आने दिया, कभी मुझे परेशान होने ही नहीं दिया, और रात को भी इन्होंने मुझे 9:30-10 बजे मेरा शौक वैसे ही है, सोसाइटी है, बच्चे हैं, बहुत गलत चीज़ें चलते हैं, हमारा शौक ऐसे कह रहे हैं बच्चे हैं अच्छी तलीम मिले, गलत सोसाइटी से जो है ना वो सबसे हम कहते हैं कि यार जिस चीज़ की जरूरत है हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है, वो किसी के वो बच्चे या अपने में रहे हों, किसी के भी हों, किसी चीज़ की जरूरत हो, गलत सोसाइटी पर जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए मैंने मतलब कि जो है ना बच्चे अच्छे टाइम दे रहा हूँ। विक्टोरिया स्कूल में मौजूद है, ग्रैंड ओपनिंग की गई है, एक और ब्रांच की मशीन चल रही है, अब इनसे जानते हैं हमारे ऑनर मौजूद है कि क्या ख्याल आता है, कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में,
अपना ही पब्लिश किया हुआ है या तो फिर कोई ओ लेवल और ए लेवल को लोग मानते हैं या वो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं? अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कोर्स के बारे में बताएं क्योंकि आगे तालीम के हवाले से स्कूल है, तो इस बारे में मैं आपसे बताऊँ। देखिए, हमारा बेसिकली मकसद है कि बच्चों को डेवलप करके आर्मी के अंदर भिजवाना, ठीक है। उसके अंदर पंजाब टेस्ट बुक चलती है जो कि टोटल इंग्लिश मीडियम होता है, और उन्हीं पंजाब टेस्ट बुक से भी सिलेबस होता है। और जो छोटी क्लास में बच्चे हैं, बस जैसे प्ले है, नर्सरी है, वन क्लास का, तो वहाँ पर हम आते हैं। ऑक्सफोर्ड लगा रहे हैं वन से ऑनवर्ड, क्योंकि बच्चों ने कम्पिटिशन एग्जाम में जाना होता है, कम्पिटिशन एग्जाम में पॉइंट 10 बीस लाखों के मुताबिक बच्चे होते हैं, और उन लाखों के साथ मुकाबला करने के लिए बच्चों ने जो सिलेबस पढ़ना होता है वो पंजाब टेस्ट बुक है, और वो बेस होता है क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, तीन क्लासों का कम्बाइन हुए पर एक क्लास को देना होता है। वहाँ से जो बच्चे सिलेक्शन पर जाते हैं वो बच्चे कैरेबियन कॉलेजेस में चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी तालीम हासिल करते हैं, एमएससी करते हैं, एमएससी करने के बाद वो आईएएससी हो जाता है, उसे कमीशन हासिल करते हैं। एक आपकी और भी ब्रांच है, वहाँ पे कितने बच्चे सिलेक्शन के बाद 20 बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला आपके यहाँ ये भी है कि 2023 का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी बच्चे मजीद हम सीटें लेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा है प्रॉब्लम, पेरेंट्स के लिए उतना टाइम सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारा फैमिली बच्चों ने सुबह 8 बजे आना है, हमें जॉब की छुट्टी करनी है, तो सम टाइम कैरेट वाले बच्चे उनका कोई टाइम टेबल का होता नहीं है कि बच्चे की 4 बजे छुट्टी होनी है। अगर उनका कोई टारगेट रह गया तो वे भी रात का सुबह से उन्हें टारगेट अचीव करना है, फिर उनकी छुट्टी होनी से पहले छुट्टी। थैंक यू सो मच।